हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट वन यानी कि एलजेब्रा का। यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 2 की जो शुरुआत की थी ऑलरेडी हमने बहुत दिनों से, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज इसका हम लेक्चर नंबर 10 आप लोग के लिए लेकर आ गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों, बिकॉज इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है आज के दिन, उसका यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जिसका नाम है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा है बहुत सारा, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपने नेचर नहीं पढ़ा होगा कभी कि नेचर क्या हो सकता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको किस तरह से रूट निकालते हैं। ये भी आपको मैंने बताया था कि हमारा जो लेक्चर नंबर आई गेस 5th, 6th, 7th कुछ होगा, उसमें हमने रूट कैसे निकालते हैं यानी कुछ फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करके, ये सभी चीज हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेचर जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर 1 से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन 100% पूछता है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा हेडिंग है और इसका हम लोग जो क्वेश्चन है इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इसका नेचर। तो लेट्स सपोज वी नो दैट, एक चीज आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, एक आपने ये वर्ड सुना होगा, ये जो फॉर्मूला है b² - 4ac, ये आपको फॉर्मूला पता है, ये जो फॉर्मूला है यही डिटरमाइन करता है कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल आएगा, अनरियल आएगा, इक्वल आएगा कि क्या आएगा, ये चीज बताता है। मतलब जो नेचर है उसका वो ये फॉर्मूला बताता है, ये फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको भी मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन इसके पहले ये b² - 4ac का खेल समझ लो। तो कभी भी हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² - 4ac का जब वैल्यू निकालोगे, तो जब भी b² - 4ac का जो वैल्यू होता है अगर आपका लेस देन जीरो आता है, तो हमेशा याद रखना वेन एवर यू विल गेट b² - 4ac वैल्यू लेस देन जीरो, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका नेचर होगा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जो होगा वो क्या होगा कि द रूट ऑफ द इक्वेशन आज नॉट रियल। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर लेस देन जीरो आता है तो वो रियल नहीं होता है, नॉट रियल होता है, हमेशा याद रखना। तो आपका जो आंसर है उसमें आप लिख दोगे कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट इक्वल, ऐसा नॉट रियल, आप ऐसा लिख सकते हैं, नॉट रियल एंड इक्वल तो है ही नहीं ऑब्वियसली। फिर आपका दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी आपका b² - 4ac जो होता है वो अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब कभी भी आपका जब b² - 4ac का वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ये रियल तो है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो b² - 4ac का वैल्यू जब जीरो आता है, मतलब जो आपका रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर है वो रियल तो रहेगा, लेकिन रियल के साथ क्या रहेगा, रियल एंड नॉट इक्वल, क्योंकि ये इक्वल तो नहीं आ रहा ना दोस्तों, रियल है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो के वजह से हमारा रियल तो हो जाएगा लेकिन इक्वल नहीं आ रहा क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है, करेक्ट है। और दूसरा जो दो हमारा कंडीशन होगा ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि तीसरा हमारा कंडीशन क्या होगा, बट ऑब्वियसली जीरो होगा। तो b² - 4ac का वैल्यू जब भी जीरो आता है, मतलब सेम आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ये रियल भी होगा एंड साथ में क्या होगा इक्वल भी होगा, तो रियल एंड इक्वल ऐसा हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, बारी बारी से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जो b² - 4ac जो वर्ड है, जो आपका फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अलग से एक क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका भी एक एग्जांपल आपके सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, पेज नंबर 45 पे आप देखोगे जरूर से आपके टेक्स्टबुक में, तो आपको ये चीज दिख जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं रफ कर लेता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन क्या है, हमारा तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से टोटल हमारे पास आज 4 एग्जांपल हमको सॉल्व करना है, ये 4 एग्जांपल आप टोटली समझ लोगे तो आपको आने वाला जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो आपका क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए आप देखोगे जो कि बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया यहाँ पे, मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, आप टेक्स्टबुक जो है आपके पेज नंबर 45 के टॉप पे देखोगे जो पहला एग्जांपल है उसमें आपको दिख जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्लियरली बोल के रखा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोला है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ऐसा आपको लिख के दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऐसा क्लियरली बोल दिया। एंड डिस्क्रिमिनेंट कौन सा, किसका डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि दिया हुआ है यहाँ पे x² + 10x - 7, तो x² + 10x - 7 = 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसी का आपको क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, बिकॉज वी नो दैट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करने के बाद ही आपको a का, b का एंड c का वैल्यू मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयर किससे करना है हमें, कंपेयरिंग इट विथ हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पहले भी देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में, हमने देखा था ये पर्टिकुलर चैप्टर जो हमने शुरुआत की थी इसमें हमने देखा था कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब भी आप कंपेयर करोगे दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आपको ए का बी का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा मतलब वन मिल गया, बी का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे बी इज नथिंग बट टेन, एंड सी का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व हो गया कि यहाँ पे मिल गया सेवन। तो ए बी सी का वैल्यू मिल गया, अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है आपका वो क्या होता है यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख के दिखाऊं तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसे निकालोगे, बी का वैल्यू टेन है यानी कि टेन का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय ए क्या है यहाँ पे वन, एंड सी सी मेरे लिए क्या है यहाँ पे सेवन, ठीक है ना माइनस सेवन है सी मेरे लिए क्या है माइनस सेवन है, तो यहाँ पे माइनस सेवन ऐसा ब्रैकेट में ले लो। अब इसको सॉल्व कर लो, टेन का स्क्वायर इज हंड्रेड, हंड्रेड माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन इज फोर एंड माइनस सेवन, तो फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन आप करके देख लो तो फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन इज नथिंग बट ट्वेंटी एट, तो आपका जो आंसर आ जाएगा तो हंड्रेड कितना आ गया आपका आंसर जो आप देखोगे यहाँ पे हंड्रेड और ये प्लस हो जाएगा प्लस ट्वेंटी एट, तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी एट इज नथिंग बट वन ट्वेंटी एट। तो आपका जो फाइनली आंसर आ गया जो आपको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालो वो भी किसका निकालो इसका निकालो, तो आपने निकाल लिया डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो कि आपको आ रहा है हंड्रेड एंड 28। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। एंड एक चीज और दोस्तों, जैसे कि आपको बताया मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अक्सर एग्जाम में पूछता भी, कभी कभी आपको एक मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछता है और क्लियरली बोल के रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया रहेगा एंड पूछेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट आपका बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का यूज करके निकालोगे आपका आंसर आ गया 128। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ लेते हैं जो हमने पढ़ा, हमारा क्या पढ़ा हमने कि अगर रूट्स निकालना है हमें या फिर नेचर निकालना है कि क्या होता है नेचर ऑफ द इक्वेशन, रियल है कि नहीं है, रियल इक्वल है कि नहीं, ये सभी चीज देखने के लिए यहाँ पे तीन एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग आज वन बाय वन देख लेंगे और आज का लेक्चर को फिर स्टॉप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आने वाला सेशन, तो आप ध्यान से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या करता हूं सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट तो समझ लिया, अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से कि किस तरह से हम लोग जो नेचर है रूट का वो हम लोग लिख सकते हैं कि रियल आ रहा है कि अनरियल आ रहा है, नॉट रियल है कि अनइक्वल है, जो भी है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आपको मैं लिख के दिखाऊं यहाँ पे जो कि पूछा है यहाँ पे डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स ऐसा पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर एग्जाम्पल। जब भी आप कंपेयर करोगे स्टार्टिंग में आप वही लिखोगे कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग किससे आपको करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना है आपको कंपेयर, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के बाद आपको ए का एंड बी का एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू टू मिल गया, बी का वैल्यू माइनस फाइव मिल गया यहाँ से, एंड सी का वैल्यू जो है सेवन मिल गया। अगेन क्या निकालते हो आप लोग, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी निकाल लो दोस्तों, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो माइनस फाइव का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय एसी, ए क्या है टू है, सी मेरे लिए क्या है सेवन है, करेक्ट है, सॉल्व कर लो, फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट मल्टीप्लाई बाय सेवन, ठीक है, एट मल्टीप्लाई बाय सेवन इज फिफ्टी सिक्स, तो आपका ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टी सिक्स कितना आएगा दोस्तों, तो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टी सिक्स इज नथिंग बट माइनस थर्टी वन, तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का जो वैल्यू आया वो कितना आया माइनस थर्टी वन आया। तो जब भी हम लोग को एक चीज पता है कि माइनस थर्टी वन इज नथिंग बट लेस देन जीरो है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, करेक्ट है ना, माइनस थर्टी वन क्या है लेस देन जीरो है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी है वो लेस देन जीरो आ रहा है, देयर फोर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमने जो स्टार्टिंग में कंडीशन पढ़ा कि जब भी हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू लेस देन जीरो आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज नॉट रियल, हम लोग बोल सकते हैं कि ये रियल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट्स है इसका, यहाँ पे जो रूट्स है आप ऐसा लिख दो द रूट्स इज नॉट रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर नहीं है, आर नॉट रियल, करेक्ट है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कभी भी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू अगर लेस देन जीरो होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं आर नॉट इक्वल आपको लिख देना है। क्लियर है, इसको रफ कर लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देखेंगे कि रियल आ रहा है कि रियल नहीं आ रहा है, ये हम लोग को समझना है। सेकंड एग्जाम्पल हेडिंग डाल लेता हूं, सेकंड एग्जाम्पल नंबर टू, जो कि क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। अगेन ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे शॉर्टकट लिख देता हूं यहाँ पे कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें ए का वैल्यू मिल गया वन, बी का वैल्यू आप देखोगे किससे कंपेयर करोगे बी से, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, सी का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया हमें माइनस नाइन। अब निकाल लो अगेन बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या होगा, बी स्क्वायर इज नथिंग बट टू का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय ए कितना है वन है, मल्टीप्लाई बाय सी कितना है माइनस नाइन है, मल्टीप्लाई करके देखो तो टू स्क्वायर फोर हो गया
माइनस बीच में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 कितना होता है माइनस 36 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज कि 4 यहाँ पे दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 इज नथिंग बट 36 प्लस 36 तो 4 प्लस 36 कितना आ गया 40 आ गया आपका। तो मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4 एसी आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 40 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4 एसी जो आया वो क्या आया जीरो से बड़ा आया, जीरो से बड़ा आया मतलब ग्रेटर देन जीरो आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4 एसी इज ग्रेटर देन जीरो। तो वेन एवर जब भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4 एसी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं द रूट्स आर देयर फॉर ऐसा डालो एंड द रूट्स आर ऐसा आप लिख सकते हो द रूट्स आर रियल। आपका जो रूट्स है वो रियल होता है हमेशा याद रखना यहाँ पे रूट्स रियल तो है ये इक्वेशन के जो रूट्स रियल तो है लेकिन ये इक्वल आ रहा है कि नहीं तो हम लोग ऐसा लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है रूट्स रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है ऐसा आप लिख दोगे जैसा हमारा सेकंड कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे समझ में आ गया फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कभी भी आप जब निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 एसी की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो आपको मिल जाएगा तो आप लोग हमेशा बोल सकते हो कि जो रूट्स होता है वो रियल तो है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आ गया या फिर जीरो भी आ गया तो वो रियल तो होता है लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आया इसके लिए हम लोग बोलेंगे नॉट इक्वल। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट से एक तीसरा एग्जांपल जो कि आखिरी एग्जांपल है इस पर्टिकुलर लेक्चर का उसको भी देख लेंगे एंड इसको भी समझ लेते हैं कि क्या आता है रियल आता है कि नॉट रियल आता है कि इक्वल आता है क्या आता है इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फटाफट से सीख लेते हैं इसको जो कि हमारा आखिरी एग्जांपल होने वाला है आज के इस लेक्चर का थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल क्या बोला है आपका जो कि रूट थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है ना रूट थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल है प्लस √3 ठीक है ना √3x² प्लस √3x ये हो गया एंड प्लस √3 इज इक्वल टू जीरो आपका इक्वेशन है ठीक है ना ये आपका इक्वेशन आपको समझ में आ गया। कंपेयर करना है अगेन तो जब भी आप कंपेयर करो तो आपका किससे कंपेयर करते हो कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो यानी कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे आप लोग कंपेयर करोगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको मिल गया a का जो वैल्यू है वो मिल गया √3 ठीक है बी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल गया आपको √2√3 एंड सी का जो वैल्यू मिल गया वो अगेन √3 मिल गया करेक्ट है। तो ए √3 मिल गया बी √2√3 मिल गया एंड सी √3 मिल गया अगेन क्या निकालते हो आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4 एसी का वैल्यू निकालते हो तो करके देख लो तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट 2√3 का स्क्वायर तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है आपके लिए √3 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 4a और c क्या है हमारा अगेन √3 है ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2² इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 मतलब 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 12 ठीक है 2√3 का स्क्वायर जो आ गया आपका 12 आ गया करेक्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है फ्रेंड्स 3 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 12 होता है तो डायरेक्ट 12 माइनस 12 हो गया मतलब 0 आ गया। तो आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4 एसी का जो वैल्यू था यहाँ पे वो आपको कितना मिल गया 0 मिल गया। तो क्लियर कट आप एक चीज यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि वेन एवर विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4 एसी कितना आ रहा है दोस्तों बराबर 0 आ रहा है करेक्ट है। बी स्क्वायर माइनस 4 एसी जब भी 0 आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इसके रूट्स होते हैं द रूट्स आर रियल क्योंकि रियल तो है जब भी जीरो आता है या फिर जीरो से बड़ा आता है तो वो रियल तो होता है एंड साथ ही में हम लोग बोल सकते हैं कि द रूट्स आर रियल एंड ऑल्सो इक्वल। हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि द रूट्स जो है वो रियल तो है लेकिन साथ में क्या है इक्वल भी है। तो क्लियरली ये चीज आपको पता चल गया कि तीनों का तीनों कंडीशन जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि कैसे सेटिस्फाई होता है कंडीशन की जीरो आता है तो कैसे होता है लेस देन जीरो आता है तो कैसे होता है ग्रेटर देन जीरो आता है ये तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से हमने पढ़ लिया एंड पूरी उम्मीद करता हूं एंड कोशिश यहाँ पे मैंने किया है अच्छे से पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को जो तीनों एग्जाम्पल था साथ ही में जो डिस्क्रिमिनेंट वाला एग्जाम्पल था ये आप लोग को आज क्लियर हो गया एंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं जैसा मैंने आपको बोला कि आज हम लोग सिर्फ 4 एग्जाम्पल पढ़ने वाले जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से दीजिएगा वीडियो को वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर करो सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो बता दो कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन था आज का हमारे मैथ्स के लेक्चर का। तो फटाफट से उनको शेयर करो इन्वाइट करो हमारे चैनल पे ताकि वो लोग भी हमारा इस वीडियो को देख सके एंड वो लोग भी कंसेप्चुअल नॉलेज जो है गेन कर सके ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।